पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान जमीन। ये सुबह चलती है यहाँ तेरे मेरी चलती है, चाय का जज्बा भी है लस्सी का भटका भी। शाहे मदीना शाहे शाहे मदीना शाहे मदीना, करम की खैरात मिल रही है, करम से उनके मैं पल रहा हूँ, मैं प्यारे आका की नात पढ़ कर, मैं प्यारे आका की नात सुन कर, मैं प्यारे आका की नात पढ़ कर नसीब अपना बदल रहा हूँ, करम की खैरात मैं नाम लेवा पंज तन का, जो नूर है उस हसीन चमन का, मैं जब से उनका गदा बना हूँ, मैं जब से उनका गदा बना हूँ, हरे मौसम में फल रहा हूँ, करम की खैरात। हवा मुखालिफ नहीं कोई गम, चराग में न हो गमतम, है मेरे सर पर नबी का दामन, है मेरे सर पर नबी का दामन, मैं गर्दिशों से निकल रहा हूँ, करम की खैरात मिल रही है, करम से उनके मैं पल रहा हूँ। सुभान अल्लाह, क्या आगाज है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एमी खान। धरती की सुबह पे आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ।
और इतनी प्यारी आवाज़, इतने प्यारे ज़िक्र, इतने प्यारे अंदाज के साथ इस सुबह का आगाज़, और मैं समझती हूँ कि हम सब के लिए चांस है, हम सब के लिए एक मोहलत है, हम सब के लिए एक सोचने के लिए कि आप सोचो कि आप कहाँ खड़े हो, क्या कर रहे हो। शायद एक और दिन हमें मिल गया है, एक और सुबह हमें नसीब हो गई। आज भी अपने मेहमानों के साथ आपके लिए इस सुबह को लेकर हाजिर हूँ, और जितना प्यारा कलाम, जितनी प्यारी अदायगी, जितनी प्यारी आवाज़ है, यकीनन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वो चुनता है उस ज़िक्र के लिए। यकीनन हर गले में एक आवाज़ है, हर लहजे में एक तर्ज है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं जो ख़ास मखसूस कर दी गई हैं किसी ख़ास मखसूस इंसान, शख्सियत, हस्ती के लिए। और अगर वो हस्ती ऐसी हस्ती हो जिसका ज़िक्र सबसे पाक है, तो फिर क्या ही बात है, आपकी ज़बान उस ज़िक्र को अदा कर रही है। बहुत शुक्रिया, और बहुत प्यारा कलाम था, और आज भी मैं अपने मेहमानों का उसी अंदाज से, उसी तरह से आपके साथ मिलकर शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि आज ये मेहमान आए हैं आपके और मेरे लिए, हमारी सुबहों को, हमारे स्टार्ट को, हमारे आगाज़ को बेहतर बनाने के लिए। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हम सोचते भी हैं और उनके लिए कोशिशें भी करते हैं, उनके लिए तपोदोख करते हैं, मेहनत करते हैं, कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ों को छोड़ के आगे निकल जाते हैं जो हमारा सरमाया भी होती है, हमारे दिल के करीब भी होती है, हमारी आदत भी होती है, लेकिन उन गोल्स को पाने के लिए क्या सारे ख्वाब हकीकत हो जाते हैं? क्या सारे ख्वाब जिनको हम देखते हैं उनको पाए तकमील तक पहुँचाना हर इंसान के अख्तियार में होता है? क्या हर वो ख्वाब जो इंसान सजाता है, देखता है, चाहता है, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक होता है? ख्वाब की ताबीर क्या है? ख्वाब देखना तो मतलब हर आँख का मैं समझती हूँ कि हक है, और लेकिन वो शख्स, वो जहन, वो इंसान जो ये ख्वाब देख रहा है, वो कहाँ जाना चाहता है? क्या वो वाकई उसकी मेहनत वहाँ उसको लेके जा रही है, उसकी ज़िंदगी उसको लेके जा रही है, या उसने ज़िंदगी में सिर्फ ख्वाब देखे, उसकी ताबीर, उसकी तामीर नहीं कर पाया? आज करेंगे ख्वाबों की तामीर के बारे में बात, ख्वाबों की उस मकसद की बात जिसको देखने के लिए हर इंसान जो है ना, हर इंसान का ख्वाब, मैं ये नहीं कहती कि आपका और मेरा ख्वाब बड़ा बहुत बहुत कोई स्पेशल है, बहुत कोई ख़ास है। रब ने जिसको जितनी अता की है, जितनी इनायत की है ना, उसके हिसाब से उसका ख्वाब बहुत कीमती है। ख्वाबों की ताबीर, ख्वाबों का वो सिलसिला जो यकीनन आज का ख्वाब आपने सजाया है, जो आपके कल पे बहुत भारी है। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि शायद इंसान सिर्फ ख्वाब देखने के लिए नहीं बना था। इंसान अगर देखे तो वो ख्वाब जो उसके कहीं पीछे एक थे रहते हैं, जो उसके जहन में है, उसके सिक्स सेंस में है, उसके लाशऊर में है, जब वो उसको तामीर कर रहा होता है तो वो कहता है कि यही मेरा ख्वाब था जिसकी आज मैंने तकमील मुकम्मल कर दिया। तो जनाब, आज आपकी कॉल्स के साथ, अपने खूबसूरत मेहमानों के साथ, इनकी प्रेजेंस के साथ आज इस शो को आगे बढ़ाएंगे। बहुत प्यारे प्यारे गेस्ट होते हैं हमेशा की तरह, सबसे अच्छी बात ही होती है, इनकी सबसे कीमती चीज़ मैं इनसे मांगती हूँ, और वो इनका वक्त होता है, और वो वक्त जिसकी कोई वसत नहीं है, जिसकी कोई आप जिसको किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते, वो ये हमें देते हैं और आपको देते हैं। चाहते हैं कि आपको सिखाएं, आपको बताएं कि आपके ख्वाब की ताबीर कैसे मुमकिन है, अपनी अपनी ज़िंदगियों से, अपनी अपनी जगहों से होते हुए, अपने अपने ख्वाबों को लेते हुए, सजाते हुए, आज ही हमारे शो पे, यानी धरती की सुबह पे। तमाम अपने मेहमानों को वेलकम करूंगी, और आगाज़ करूंगी मारिया निसार से। बहुत प्यारा कलाम पढ़ा, और नातख्वा हैं आपसे, इसलिए आगाज़ है कि आपने क्या हमारी सुबह का आगाज़ किया। बहुत शुक्रिया, आने का भी शुक्रिया, और आज अपना वक्त देने का, और इतने प्यारे कलाम का भी शुक्रिया। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं फरा महमूद हैं, जो कि यंग इमर्जिंग पॉलिटिशियन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। और आज कोशिश करेंगे कि ख्वातीन के उन ख्वाबों की तामीर को हम पूछें आपसे, आपसे आपके ख्वाब पूछें, और बहुत शुक्रिया आने का। और उसके साथ साथ मुस्कुराती हुई, चमकती हुई, हंसती हुई, खेलती हुई, मुझे बहुत पसंद है, और मुझे सारे गेस्ट बहुत पसंद है, लेकिन ये तो बस ऐसी हैं कि आ जाएं, बस चलें, छोड़ें, बस बातें करते हैं, यानी कैसे वक्त जाता है पता नहीं चलता। और इसीलिए धरती की सुबह पे आती हैं हुमैरा, हमारी हर्बलिस्ट। बहुत शुक्रिया हुमैरा आज आने का, और बहुत प्यारी लग रही हैं, सारे प्यारे लग रहे हैं। और किसी भी इंसान का
आप लोग कहते हैं कि आपने अगर किसी मर्द का दिल जीतना है या किसी घर वालों का दिल जीतना है, खाना औरत को अच्छा बनाना आना चाहिए, जबकि मैं कहती हूँ एप्रिसिएशन, तारीफ इंसान का सुनना ना सबसे बड़ा एक कमज़ोर पार्ट होता है, कर दें तारीफ, शायद उसका दिल बड़ा हो जाए और वो गलती जो उसने आज की है और आपने तारीफ की है वो कल शायद वो सही कर दे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेहमानों से पूछेंगे ख्वाबों की तामीर। वेलकम बैक धरती की सुबह में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। और बिल्कुल ये पैनल सच चुका है, आज तो फुल ऑन एनर्जी के साथ सिर्फ ख्वातीन ही ख्वातीन है, मतलब कोई नहीं होगा, क्योंकि आज ख्वाबों की बात हो रही है, ख्वाबों की तामीर की बात हो रही है। और ख्वाबों की वो जो खातून होती है ना, एक जो ज़्यादा ख्वाब देखती हैं, क्योंकि अक्सर औरतों को कहा जाता है तुम्हारे तो ख्वाब ही इतने ऊंचे ऊंचे हैं, तुम तो बस ख्वाबों में ये चीज़ देखती हो। तो वो ख्वाब जो है ना उसको आज हमने मुकम्मल करना है, आज पूछना है अपने मेहमानों से कि जनाब ख्वाबों की ताबीर कैसे होती है, क्या सिलसिला होता है। और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अंजुम सना जो कि डेंटिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? यू नो यू लुक वेरी प्रीटी बिकॉज बहुत सिंपल सी, बहुत सुबह सुबह वाली फील आ रही है। एक्चुअली आई डोंट नो हाउ टू डू मेकअप, जरूरत ही नहीं है, आपको जरूरत नहीं है। हाँ, व्हाई यू नीड इट, आपकी हुस्न नजर है। हाँ, बस वो ऐसे ही होता है। अच्छा जी, आज हम बात कर रहे हैं, पहले तो आप तमाम खवातीन का बहुत शुक्रिया, एक क्योंकि जब इतनी सुबह सुबह खातून घर से निकलती है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो कब से अपनी वो ड्यूटी कर रही है जो एक आम औरत जो है उसको करने में, अब से उसका दिन स्टार्ट होता है, तो उससे बहुत पहले से वो काम करके यहाँ तक आती हैं। तो जनाब आज हम ख्वाबों की ताबीर के बारे में बात कर रहे हैं, और ख्वाब देखना हर इंसान का हक है, और ऐसा हक है जिसे वो बाय बर्थ लेके आता है, कहता है नहीं यार मेरे ख्वाब। और अब हम देख रहे हैं जो जनरेशन है, जो लोग हैं, वो तो अपने ख्वाब बहुत जल्दी देखना शुरू कर देते हैं और उन्हें सजाना भी शुरू कर देते हैं, ड्यू टू सोशल मीडिया, ड्यू टू एडवांस एजुकेशन, सारी चीज़ें बहुत खुल के सामने आ गई हैं। यहाँ पे मैं फरा आपसे बात शुरू करूँगी, आप यंग इमर्जिंग पॉलिटिशियन हैं, अपनी एज ग्रुप की ख्वातीन को देखती होंगी, उनके ख्वाब, आपने भी ये ख्वाब देखा था जो आज आप ताबीर की सूरत में दुनिया के सामने लेकर आ रही हैं? ऐसे अगर मैं कहूँ तो हाँ, ये ख्वाब था आपका? ये ख्वाब था कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे आवाम को या दीगर लोगों को जो सहूलियात हैं वो मुहैया की जा सकें। ये हमेशा से मेरा एक इंटेंशन था और अभी भी कोशिश रहती है। ये था बचपन से अपने अंदर कि कुछ करना है और कुछ ऐसा करना है कि जिसमें सिर्फ आपका फायदा नहीं हो, दूसरों का भी फायदा हो, मदद हो, वो जिससे आपको कुछ, हाँ, जिससे आप बेगर्ज हो, बेलॉस हो। वो तो जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की इन 2010-2009, तो तब आई एसोसिएट विद द पॉलिटिकल पार्टी, फिर बीच में एक पॉज आया, आई वाज बीइंग थ्रू सम डिफरेंट थिंग, आई कैन कॉल इट अ केसेस वगैरह एंड ऑल, तो वो एक हम उसके विक्टिम रहे। देन उसके बाद जब मैंने अकेले वो फेस किया, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने वो कर लिया, तो उसके बाद एक कॉन्फिडेंस मजीद बढ़ गया। मतलब एक होता है ना फैमिली, आपको जब इस तरह की इस नौयत की चीज़ें हो रही होती हैं आपकी लाइफ में, तो वहाँ पे जेंट्स अपेरेंस या आप मेल आगे नहीं आ सकता, तो आई हैव टेकन द इनिशिएटिव, मैंने कहा नहीं ये मैं कर सकती हूँ, और मेरे हस्बैंड के साथ था ये। ओके, तो वो चीज़ ने मुझे बहुत इनकरेज किया। उसके बाद मेरे हस्बैंड का जो रोल था वो बहुत डिफरेंट था, मतलब उनको लगा कि शी हैज़ द स्पार्क, इसको आगे आना चाहिए, ये कर सकती है, ये बहुत अच्छा कर सकती है। तो ये इस तरह से मेरी एक जर्नी का जो है वो आगाज़ हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने वो जो जीत थी वो 2020 के अंदर हमने साथ साथ शेयर की, अल्लाह ने हमें सुरखरू किया, तो उसके बाद मेरा जज्बा और बढ़ गया। फिर एक ख्वाब है कि अल्लाह उस मकाम तक पहुँचाए कि कभी जो है आवाम की खिदमत करें और आगे बढ़ें। और इसलिए नहीं है कि ये ख्वाब, इसलिए है कि मेरे अपने खुद के भी दो बेटे हैं। अच्छा, जिस तरह की ये ज़िंदगी है, एट अ वेरी यंग एज मेरी शादी हो गई थी, और अभी जो है अब अपने बच्चों को देखती हूँ, दीगर मसाइल देखती हूँ, चीज़ें देखती हूँ, तो ये ज़रूर दिमाग में आता है कि अभी चलें, हमारे साथ हैं, मेरी फैमिली पाकिस्तान में है,
मैं नहीं चाहती पाकिस्तान छोड़ के जाना, मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे मुझसे दूर जाए, दिस इज द मेन रीजन. और फिर कराची बॉर्न एंड रेस, तो कैसे छोड़े, ये शहर हमें बहुत प्यारा है, तो ये शहर नहीं छोड़ना चाहते. इसलिए चाहते कि इसकी तरक्की के लिए कुछ किया जाए, कुछ से मतलब ये नहीं कि बस घर बैठे हो जी आपने सोशल मीडिया मुजाहिद बने हुए, नहीं, प्रैक्टिकली. उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म यूज़ करें, उसके लिए मेरे पास सामाजिक प्लेटफॉर्म भी है और वो काम मैं बेहतरीन अंदाज में करती हूँ क्योंकि वो मेरे लिए है, मेरी अपनी जात के लिए है, एक अल्लाह और आपका मामला भी है, आपका कनेक्शन होता है, आप चाहते हैं सोसाइटी में एक अपना रोल अदा करना, ना कि आप सोसाइटी से ही कंप्लेन करते रहें, वहीं पे बॉल थ्रो करते रहें. अच्छा, यहाँ पे अंजुम, मैं आपसे बात करना चाहूँगी. आप डेंटिस्ट हैं, ऑब्वियसली एक औरत, एक लड़की, और जिस सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली और मे बी फॉर्चुनेट फॉर सम रीज़न, हम जिस सोसाइटी में हमारी अपब्रिंगिंग है, हमें ना चीज़ें बता दी जाती हैं, देर इज़ नो ड्रीम लाइक फॉर अस, वो चीज़ें डिसाइडेड होती हैं, लड़की हो तो ये, बेटी हो तो ये, बीवी हो तो ये, वो एक हमें हमें ना बुलेट्स दिए हुए होते हैं कि ये फिर उसके बाद हमारी कहीं नीचे आती है ज़िंदगी, कुछ अपने मामले, पर मेरे ख्याल से सबसे हमारी ज़िंदगी के सबसे लास्ट चैप्टर में हमारे लिए कोई दो लाइनें होती हैं. बिल्कुल. आप एज अ डेंटिस्ट, या आपका ख्वाब था, या आप पे बस बता दिया गया कि दैट्स द वे आपने जो बस करना है ये? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ख्वाब है क्या, ख्वाब शराब हकीकत दोनों अपोजिट चीज़ें हैं. अच्छा, हम अपोजिट समझते हैं मगर ऐसा है नहीं. यू हैव टू ब्रिंग देम ऑन वन पेज. अगर आपने ख्वाब देखा है तो मैं सबसे कहना चाहूँगी, अगर आपने ख्वाब देखा है तो आप उसकी तकमील के लिए आप ज़रूर काम करें, आप ज़रूर कोशिश करें. अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरे लिए भी सब कुछ अचीव करना बहुत मुश्किल था, मगर ये मेरी माँ का ड्रीम था क्योंकि मैं जिस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ वहाँ अभी भी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता, पढ़ने को के लिए मतलब इट्स जस्ट अ टैबू कि आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं. एग्जैक्टली. अच्छा, यहाँ मैं आपसे एक बात, क्योंकि आपने बात की, एक औरत के लिए ये बात की जाती है कि पढ़ोगी, ज़्यादा पढ़ोगी दिमाग ख़राब हो जाएगा, आज़ाद हो जाओगी, बोल्ड हो जाओगी और घर को उस तरह संभाल नहीं सकोगी. या अगर एक औरत अपने हक़ के लिए, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह तमाम एक ऐसे ऐसे पर्सन हैं जो अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी जर्नी में एक डेजिनेशन रखते हैं, एक पावर रखते हैं, या तुम ज़्यादा पढ़ोगी तो ज़्यादा ज़बान दराज हो जाओगी. बिल्कुल ऐसे ऐसे ही है ना, एक जनरल परसेप्शन है हमारे बारे में, औरतों के बारे में और पढ़ाई के बारे में. मगर मैं सारे माँ बाप से भी कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों के लिए उठें, उनको पढ़ाएं, उनको लिखाएं. देखिए, शादी है, बच्चे हैं, फेजेज हैं, आते हैं और आपको ये निभाना है. ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें कि नहीं हम बच्चे नहीं पाल रहे, नहीं हम घर नहीं देख रहे. आपने आपने काम करना है. मैंने खुद भी एक ब्रेक लिया, मेरे ट्विंस थे, उनको मैंने थोड़ा बड़ा किया एंड नाउ अगेन आई एम बैक टू माई फील्ड. एंड योर मदर एंड योर हस्बैंड कैन प्ले अ मेजर रोल इन योर लाइफ टू अचीव योर ड्रीम्स. और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, मैं ये ज़रूर मानूंगी कि ये दोनों लोग मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छे, बहुत मोटिवेट साबित हुए, बहुत मेरे पीछे उन्होंने मेहनत की और आज जो मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ ये भी समझ लें कि एक ड्रीम ही था. तो वो उसको अचीव करने में मेरे हस्बैंड ने साथ दिया. अगर मैं आज काम कर रही हूँ तो मेरे हस्बैंड ने साथ दिया. अगर मुझे पढ़ाया उस टाइम पे जो है इतनी जंग लड़ी तो वो मेरी अम्मी का कमाल था. मगर उन सबको कंपाइल अप करने में, उनको एक साथ लेके चलने में डेफिनेटली मेरा था. तो वो जो ख्वाब था, ज़रूरी नहीं होता कि ख्वाब आप देखें. ये जो हम आज यहाँ बैठे हुए इस धरती के ऊपर, ये भी तो किसी का ख्वाब था. तो उस ख्वाब को ही तो हम आज जी रहे हैं. तो ख्वाब देखें, ज़रूर देखें, ऊँचे देखें और उनको अचीव करने की कोशिश करें. बिल्कुल. मेरा नाज हबलिस्ट, एक ऐसी शख्सियत, और मैं कहती हूँ एक वो वाला काम है, आपको तो रब ने वो अता किया हुआ है कि बस फ़ायदा ही देना है आपने दूसरों को. बिल्कुल. ये इशू है मेकअप रूम में, कोई चार बातें अगर हो रही हैं तो ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो. मतलब एक वो नहीं होता घर का, एक ऐसा बड़ा रिश्तों का, एक ऐसा बड़ा, आपको अल्लाह ने वो जगह दे दी, वो मकाम दे दिया, यहाँ तक आना आपका ख्वाब था, या आप हमेशा से दूसरों के लिए एक मशवरा गा थी, चलते चलते बता दिया आपको कोई मतलब नहीं है इससे मुझे फ़ायदा मिलेगा, इन रिटर्न क्या चीज़ें आएंगी, होता है ना. क्योंकि हम देखिए सोसाइटी से हम एक्सपेक्टेशंस भी तो रखते हैं, तभी तो हम कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हमारे पैसों की हो, हमारे टाइम की हो, कुछ भी. तो आप एज अ हर्बलिस्ट जब आई, जब आपको लगा, जब आपने पढ़ा, ये ख्वाब सजाना आपके लिए आसान था या आपका ही ख्वाब था, आपकी नेचर थी, या आपके बड़ों ने आप ये सेटल कर दिया था? नहीं नहीं, देखिए ख्वाब जो होता है वो आपकी ज़ात से रिलेट होता है, कोई आपके ऊपर मुसल्लत नहीं करता कि आपने ये बनना है. या आपका ख्वाब होता है कि, और हर एक का ख्वाब होता है कि हमने किसी ऊंचे मुकाम पे जाना है. तो ये मेरा एक बचपन से ख्वाब था, हालांकि मेरी भी बड़ी अर्ली एज में शादी हो गई थी, व्हेन आई वाज 16 जब मेरी शादी हुई, मैंने अपनी एजुकेशन जारी रखी उसके बाद भी.
लेकिन उस वक्त से मुझे कुछ था कि मैंने कुछ ऐसा करना है कि मैं मतलब सब में मैं किसी की खिदमत करनी है या कुछ ऐसा मुकाम हासिल करना है कोई बड़ा। तो ये शुरू से था, टीचिंग का था शौक, सारे पूरे किए, जो देखा जो सोचा वो किया सारा। फिर ब्यूटी की फील्ड में मुझे था कि मैंने कुछ करना है, फिर वो पीछे से होता है ना, बड़े कहते हैं नहीं ये वाली फील्ड अच्छी नहीं है बड़े। मैं बिल्कुल आपकी बात मुकम्मल करूंगी। हमारे साथ यहाँ कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम, कौन है कहाँ से? वालेकुम सलाम, इनी खान। या यार कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। तमाम खवातीन को बहुत सलाम हो और उनको सलूट हो जो ये काम कर रही हैं। देखिए इनी खान, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि मैं पूरा प्रोग्राम आपका मैंने चीजें सुनी। देखिए थिंग्स हैज बीन चेंज, अब वो मामला नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि आप यकीन करें कि औरतें हर फील्ड में, और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके अंदर एक इस्लामी मुल्क जिसमें दो दफा एक प्राइम मिनिस्टर औरत बनी थी, राणा लियाकत अली खान को देख लें कब बनी थी वो, क्राउन ऑफ सिंध। तो चीजें चेंज हो गई है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि आज मेडिकल बैठी है डेंटिस्ट हमारी, इनको पता है कि आज मेडिकल कॉलेज में दौ में लड़कियों की तादाद लड़कों से बहुत ज्यादा है। तो लड़कियां निकल रही काम कर रही हैं, आप भी बैठी हुए मीडिया में है, बल्कि मीडिया में तो मेरे ख्याल में बहुत सारी लड़कियां ज्यादा हैं जो एंकर पर्सन भी हैं और सुबह शो भी कर रही हैं। एक जो चीज समझने की जो मैं समझता हूं वो ये समझता हूं कि वी शुड गिव रेस्पेक्ट टू द वुमेन। बात ये है कि मैं अगर मेरी बीवी है ना, तो मैं अगर मैंने 1965 में वो जिंदगी गुजारी है, मेरी माँ की जो लाइफ थी, मैं उसको आइडियलाइज नहीं कर सकता। उसकी वजह है कि वो उस कंडीशन और थी। आज लड़की पढ़ी लिखी है, उसका दिमाग है, काम करता है, हमें ये समझना, एक इंटेलेक्चुअल है ना, उसकी अपनी सोच है, वो कोई अगर औरत है उसकी अपनी बाउंडिंग जरूर है, लेकिन वो हमारी गुलाम नहीं। जो मैं समझता हूँ, जो मैं अपनी बीवी के बारे में, अगर मेरी बीवी है, जैसे मेरी बीवी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन एक बात है कि उसकी अपनी पॉलिटिकल व्यूज है, तो मैं उसको ऑनर करता हूँ कि भाई मैं अलग सोचता हूँ वो अलग सोचती है, मैं ये नहीं चाहता कि वो मेरी तरह सोचे। ये हमें बात समझने की जरूरत है कि हर आदमी की, हर औरत की, हर मर्द की अपनी थिंकिंग होती है। और जो हमारे माशरे में कुछ ट्रेडिशनल चीजें ना, वो बहुत अच्छी भी है और कुछ ऐसी बुरी भी है जो चेंज होती जा रही है। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि आज आप काम करिए अमी खान, आज डेंटिस्ट काम करिए, हमारी हर्बलिस्ट काम करिए, और मैं बहुत अरसे से मैं इनको टीवी पे देखा हूं। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क क्वेश्चन कि आज आप काम करिए, इतनी आगे आई हैं, आपने पैशन एक बनाया, तो माशरे ने आपको कुछ ना कुछ तो राह दी है ना, तो वो आप उसकी उस पॉजिटिविटी की जो बात करें ना, ये मेरा कहना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया याया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। बिल्कुल हुमैरा, कि आपकी बात को जोड़ेंगे इसी से कि जैसे याया ने कहा कि भाई पॉजिटिव एलिमेंट तो है माशा में, ऑब्वियसली है, और ये बात बिल्कुल हकीकत है कि मैं तो हर चीज़ पहले अपने ग्राउंड से देखती हूँ। अगर हम देखें ना कि घर में अगर चार बेटियाँ और दो लड़के हैं, तो वाकई बेटियाँ जो हैं वो घर भी संभाल रही हैं, नो मैटर वॉट एज दे हैव, नो मैटर। मैं अपने भांजे भांजियों को देखती हूँ, उनको मतलब भांजियों को कहना नहीं पड़ता, भांजों को कहना पड़ता है। यहाँ पे ये बात नहीं है कि लड़के ये कर रहे हैं या लड़कियाँ वो कर रही हैं, मैं इस पे नहीं जा रही, लेकिन हाँ ये बात हकीकत है कि औरत तो या लड़की जो ख्वाब देख रही है, उस ख्वाब के साथ साथ अपने आप को उस जगह पे भी रखा है जहाँ लड़की है, वो हमारी जो सोसाइटी का एक उसके साथ प्रेशर है, हमने उसके साथ भी बिल्कुल ब्रॉट अप है। आप जैसे कह रही थी कि हमारा लोगों ने और बड़ों ने ये बात कही कि ब्यूटिशियन और ये और वो, ये चीज़ अच्छी नहीं है, वो चीज़ अच्छी नहीं है। अच्छा, लोग तय कर लेते हैं, बिल्कुल आपके ख्वाबों को लोग तय कर लेते हैं कि ये ख्वाब अच्छा है या ये ख्वाब बुरा है, वाह आपका विजन नहीं देख रहे होते, आपका पैशन नहीं देख रहे होते, तो आपके लिए बिल्कुल मैं इसको आगे कन्वे करूंगी कि हमें बहुत सारे, जैसे अभी इन साहब ने कॉल भी की कि पूछा कि पॉजिटिव लोग भी मिले हमें और नेगेटिव लोग भी मिले, लेकिन आपने जब आपने एक तहिया कर लिया ना, तो आपका दिल मुतमईन है कि आपने ये चीज़ करनी है, आपके लिए अच्छी है, आप उसको आगे जा रही है कि वट एवर जो कुछ भी कह रहा है, कहता जो कहता है, मैं तो उसको ये कहती थी आपने अगर मेरे बारे में गलत सोच लिया तो ठीक है आप सही हैं, बिल्कुल ठीक है ना, आगे आप चलें। लेकिन वही लोग जो पहले हमें क्रिटिसाइज करते थे किसी ज़माने में, आज वो आके हमारे साथ एक पिक्चर लेने के लिए खड़े होते हैं, ये मैं बता रही हूँ सीधी सी बात। लेकिन ये है कि हमेशा जो आप सोचें हमेशा करें, मैं कहती हूँ किसी का नहीं सोचें कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है कि आपकी फील्ड ऐसी है। बहुत से लोग मीडिया को भी बड़ा बुरा समझते हैं कि जी आप मीडिया से रिलेट कर रहे हैं तो आप मीडिया वाली लड़की तो होगी ऐसी, और तुम्हारे तो खास तुम तो हां ये हिस्सा है नहीं, लेकिन तीन को ही क्यों टारगेट करते हैं, बात ये है मतलब ये जो गैरत का बर्डन खवातीन पे ही क्यों डाला जाता है, बच्चियों पे लड़कियों पे ही क्यों डाला जाता है? बिल्कुल आपकी बात सही है, और लेकिन एक बात और भी है यहाँ पे कि फरा हम औरत के ख्वाब को ना, हम लड़कियों के ख्वाब को वो अहमियत वो इज्जत देते ही नहीं है। अब अगर देखे नहीं,
आप औरत से डर जाते हैं या आप अपनी खवातीन से डर जाते हैं, तो वहाँ आप फिर रेजिस्टेंस के तौर पे ना ये चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। अगर आप उसको समझें, बात करें, उसको मौका दें, खुद प्रोवाइड करें, आपको लगता है कि वो आपसे या बेवफाई करेगी, आपको डिसोबे करेगी, इनसिक्योरिटी है, वो चीज़ ना करें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मेरे साथ यहाँ पे इतनी प्यारी सी आवाज़, मुझे बताएं मारिया कि कोई भी काम, वो ऐसा काम जो कि आप रब की ज़ात के लिए कर रहे हो, वो ऐसा काम जो आप, क्योंकि देखें एक आसान सी बात कह दी गई है कि अपनी तन्हाइयों को खौफे खुदा में रखो। आपने अपनी तन्हाई, ये आपका और आपके अल्लाह का मामला है, आप किसी को नहीं कह सकते। हमने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई हैं जो अल्लाह ने बता दिया है कि भाई मेरा इस शख्स से तो मामला है, वो मेरा है, तुम अपने, तभी तो हम इंडिविजुअल मरते हैं, तभी तो हम इंडिविजुअल हिसाब किताब दे रहे होते हैं। नातख्वाह हैं आप, आपने भी बहुत सारी चीज़ें क्रिटिसाइज़ हुई होंगी, बहुत सारी चीज़ें अच्छी बुरी, हालांकि आपकी तो जिक्र, आपकी तो आवाज़, आपका तो अंदाज़, हर चीज़ जो है उसकी तारीफ़ में, उसके महबूब की तारीफ़ में। कैसे ये ख्वाब आज जो मुकम्मल हुआ है, ये ख्वाब जिसकी आज तामीर हो चुकी है, जिसकी आज आप देख रहे हैं कि बुनियाद पड़ चुकी है, आज मैं इस जगह पर मौजूद हूँ, लोग मुझे पहचानते हैं मेरी आवाज़ से, मेरे कलाम से, कैसे मुकम्मल हुआ, क्या इस जर्नी में रहा है, कैसा आप देखती हैं लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए? शुरू से मुझे बहुत शौक था नात पढ़ने का, तो घर में भी माहौल था इस्लामी टाइप, सारा था सिस्टम था, तो शुरू से मुझे था, लेकिन मेरा ये ख्वाब था कि मैं टीवी पे पढ़ूं जाके नात। अच्छा, हाँ बस ये था, लेकिन घर में क्या, फैमिली में भी कभी भी कोई भी टेलीविजन पे नहीं आया। ओके, तो अब ये तो मेरा ख्वाब था, तो हो गया पूरा, ताबीर हो गई। शादी के बाद जो है, हाँ शादी के बाद वही वाली बात मैं अंजुम की करूंगी कि मेरी लक थी क्या, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी भी बहुत यंग एज में शादी हुई थी, तो फिर उनको मैं ज़्यादा बेहतर, मैं उनसे डिस्कस करती थी कि मेरा एक ड्रीम है, ख्वाब है कि मैं इस पर पढ़ूँ। तो 2011 के अंदर मैंने उस तक आगाज़ किया था, और फिर तो वो जर्नी जब स्टार्ट हुई तो फिर, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने मुखालफत भी की, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे ससुराल वालों ने मेरा बहुत साथ दिया। अच्छा, मेरी मदर इन लॉ ने मेरा बहुत साथ दिया। ये तो आप ब्लेस्ड हो गई फिर। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत साथ दिया, मेरी नन जो है सिस्टर इन लॉ, उसने भी मेरा बहुत, मतलब सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जबकि मायके की तरफ से थोड़ा था, लेकिन अब जब इस मकाम पर पहुँची हूँ तो अब ये होता है कि हाँ मेरी बेटी, हाँ मेरी बहन यहाँ पर होती है या इस चैनल पे होती है या इस तरह से कर रही होती है। आप इंट्रो बन जाते हैं किसी का, मतलब आपको ये नहीं पता होता कि आप उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन वो आपके बारे में सब जानता है, वो बताता है, वो महल्ला बताता है कि भाई हाँ हमने उस गली में आप जाएंगे तो फला का घर है, किसी से भी पूछिएगा, तो वो पर्सनैलिटी इतनी फेम हो चुकी होती है, या वो वहाँ रहती है ना, वो मेरी कज़न है, उनकी तस्वीरें ढूंढ ढूंढ के दिखाएंगे। अच्छा डॉक्टर अंजुम, यहाँ मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि एक औरत जो होती है ख़ासकर, क्योंकि ख्वाबों की तामीर की बात हो रही है, ख्वाबों की तकमील की बात हो रही है, ख्वाबों की बुनियाद की बात हो रही है, एक मर्द भी बेचारा जो हमारा सोसाइटी में, अच्छा वो बेचारा यूँ है कि हमने औरत के साथ हमेशा बेचारा लगाया, मर्द भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उठा ही रहा है, प्रेशर ले ही रहा है, वो भी नहीं समझ आता, नहीं दिखता हमें। मर्द का जो ख्वाब होता है ना, उसमें भी एक बच्चा छुपा है, और मर्द में है, औरत को हमेशा अल्लाह ने माँ बनाया ना, तो एक उसके अंदर एक ममता है, काइंडनेस है, वो एक लेके चलती है, एटीट्यूड है उसमें। जो मर्द होता है ना, शौहर हो, बेटा हो, भाई हो, बाप हो, वो अपना सारा ख्वाब जो है अपनी फैमिली के लिए सजा रहा है, वो और वो क्या बनना चाहता है, वो क्या, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, बहुत सारे ऐसे मर्द हजरात देखे हैं, क्रिकेटर बनना चाहते थे, जॉब्स में आ गए, बहुत सारी बात आपसे करना चाहती थी जी। ऐसा नहीं है कि कदगन सिर्फ औरतों के ख्वाबों पे लगाई जाती है, कदगन जो है वो मर्दों के ख्वाबों पे भी लगाई जाती है। कुछ हमारी सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर ऐसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि हमारे ऊपर बहुत सारी चीज़ें थोप दी गई हैं। अगर कोई, मैं आपसे सच कह रही हूँ, अगर कोई मर्द जो है वो मीडिया में जाना चाहे या डांस सीखना चाहे या मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहे, प्यारी बात की आपने, कोई कोरियोग्राफर अगर बनना चाहे, नहीं उसके लिए मेकअप आर्टिस्ट, सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो बहुत सारी चीज़ें फेस करता हुआ यहाँ तक, उस मकाम तक पहुँचते हैं। और एक बात है, आपके ख्वाब को अचीव करने में अमूमी तौर पर लोग अकेले होते हैं, मगर जब आप वो ख्वाब अचीव कर लेते हैं तो आप अपने पीछे देखते हैं, हुजूम आपके साथ होता है। मैं चाहूँगी कि जब लोग ख्वाब देख रहे होते हैं ना और उनको जीने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आप उसका सहारा बने। मैं सच बताऊँगी कि मेरा अपने ख्वाब में शायद मेरे दोस्त बहुत अच्छे रहे हैं, कि उन्होंने मुझे हमेशा
मोटिवेट किया है, स्पेशली अब जो मैंने दोबारा काम शुरू किया उसमें मेरी एक दोस्त की बहुत मोटिवेशन थी. अब जो मैं काम कर रही हूँ वो मैं एक अपने दोस्त के साथ कर रही हूँ. तो लोगों को चाहिए कि एक दूसरे को बिल्डअप करने में, एक दूसरे के ख्वाबों को उठाएं, उनको नीचे ना करें, उनके लिए पॉजिटिविटी शो करें. बिल्कुल ऐसे. तो ख्वाबों की तामीर, ख्वाब देखना, जैसे मैंने बिगनिंग में कहा कि हर आँख का एक हक है, वो लेकर ही पैदा. यानी आप ये देखें कि एक बच्चा दुनिया में आता नहीं है और माँ ये ख्वाब देखना शुरू हो जाती है कि ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, इसका रंग ऐसा होगा, यूँ होगा. ये भी तो ख्वाब है. ये नहीं है कि वो अपनी औलाद से उस तरह मोहब्बत नहीं करेगी. अगर वो बहुत उसको खूबसूरत सोच रही है और वो बिल्कुल अपोजिट अगर पैदा हो गया, तो क्या ये ख्वाब, उसका ख्वाब सजाना हक नहीं था? लेकिन हमारा माशरा ख्वाबों की ताबीर को बिल्डअप करने के लिए, उस ख्वाब को सजाने के लिए, माशरा हमेशा ना एक एक फ़र्द को जोड़ के बनता है. माशरा कभी भी बहुत हजूम से नहीं बनता. जब एक इंडिविजुअल अपनी जगह कामयाब है, एक इंडिविजुअल अपनी जगह स्ट्रांग है, एक इंडिविजुअल एजुकेटेड है, शऊर रखता है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है माशरे का. हमारी कम्यूनिटी ऐसा क्यों करती है कि अपने तौर पर तय कर लेती है कि आपके ख्वाब कैसे होने चाहिए, आपकी आँखों को वो हक क्यों दे देती है जो आपका है सिर्फ. इस पर बात करेंगे अपने मेहमानों से कि ख्वाबों की तामीर कैसे मुमकिन है. ख्वाबों की वो चीज़ जो सिर्फ आप लेके, आप सजा के दुनिया में आए हैं, वो किसी और के हाथ में आप कैसे दे दें. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. उसके बाद अपने मेहमानों से पूछेंगे कि उनके ख्वाब और आज आप उनके ख्वाबों को किस तरह से देखते हैं. स्टे विद अस. रोशनी का रोज़ ज़ुल्मतों का ज़वार, आईना भी वही वही अक्से जमाल. किसका औजे कमाल, किसका औजे कमाल, मीम हमीम दार, मीम हमीम दार, मीम हमीम दार, मीम हमीम दार. उनका जूदो करम दुश्मनों को अमान, दस्ते एजाज दे कंकरी को जबान. हक ने बख्शी उन्हें हिकमते लाजवार, रोक दे तो हराम, इज़्न दे तो हलाल. किसका औजे कमाल, किसका औजे कमाल, किसका औजे कमाल, किसका औजे कमाल, मीम हमीम दार, मीम हमीम दार, मीम हमीम दार, मीम हमीम दार. इस जहां में कोई ऐसा आया नहीं, धूप में जो जले और साया नहीं. फर्श तो फर्श है, अर्श पर भी नहीं कोई ऐसी नजीर, कोई ऐसी मिसाल. किसका औजे कमाल, किसका औजे कमाल, मीम हमीम दार, मीम हमीम दार, मीम हमीम दार, मीम हमीम दार. वो इशारा करे तो शजर चल पड़े, हाथ उनके उठे डूबा सूरज फिरे. चांद दो टुकड़े हो कर दोबारा जुड़े, वो न हो तो रुके गर्दिशे माहौसार. किसका औजे कमाल, किसका औजे कमाल, मीम हमीम दार, मीम हमीम दार, मीम हमीम दार, मीम हमीम दार. सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत खूबसूरत जिक्र है
और ख़ूबसूरत मेहमान हैं और ख़ूबसूरत बातें हैं, ख़्वाबों की बातें, और ख़्वाबों की बातों में बहुत मुश्किलें, बहुत आसानियाँ बहुत बाद में आती हैं, पहले उसके लिए आपको मुश्किलों में डालना पड़ता है। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं फरा। फरा, आप एज अ इमर्जिंग यंगेस्ट पॉलिटिशियन, जो कि सबसे पहले हमारी सोसाइटी में कहा जाता है कि पॉलिटिक्स उफ नहीं नहीं नहीं, पॉलिटिक्स को तो हमने कभी भी ना पॉजिटिव लिया ही नहीं, मतलब अगर हम पॉलिटिक्स को पॉजिटिव लेना शुरू हो गए तो सबसे पहली बात क्या होती है, जहाँ हम खराबियाँ देखते हैं वहाँ बहुत पॉलिटिक्स है। कैसे ये जर्नी आसान नहीं है, और वो भी औरत हो के, बेटी हो के, बहुत मुश्किल है, माशरा नहीं एक्सेप्ट करता, कहाँ से ये ख्वाब देखना शुरू किए? जब इंसान ये सोच ले कि उसको माशरे से गर्ज नहीं है कि वो क्या सोचता है, और उसको पता है कि अब ये इतना मैटर नहीं करता, वहाँ आपकी अपनी ज़ात आपको बहुत इम्पोर्टेंट लगने लगती है। मुझे अपने हस्बैंड से, अपने फादर से, दोनों से हमेशा कॉन्फिडेंस मिला है, और मेरा आज भी, मैं अकेली यहाँ ट्रेवल करके आई हूँ फ्रॉम द अजीज़ाबाद टू है, और ही वॉज ऑन कॉल, हाँ ठीक है जाना है, जा सकती हूँ, कराची है। कराची क्या, कराची से बाहर जा सकती हूँ मैं, क्यों लेने आऊँ? अगर मेरी कोई अपनी एक्टिविटीज हो, सोशल एक्टिविटीज हो चाहे पॉलिटिकल एक्टिविटीज, मैं इंडिपेंडेंटली जाती हूँ, मुझे एक मेल अपेयरेंस की क्यों ज़रूरत पड़े? कोई चीज़ डिस्कस करनी हो, कोई मैटर डिस्कस करना हो, ही एम्पावर मी, सोचो अगर कहीं अटक जाओ, कहीं रुक जाओ, कोई प्रॉब्लम फेस करो, देन कम टू मी, तुम्हें पता है क्या करना है। ये जो कॉन्फिडेंस आपके हस्बैंड, आपके भाई, आपके फादर आपको देते हैं, आई एम द लकीस्ट वन के मैं यहाँ बैठी हूँ, उसका पहला क्रेडिट मेरे फादर को जाता है, उन्होंने हमेशा मुझे सुना है, और मेरी भी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को बगौर सुनूँ, समझूँ। अगर शायद वो मुझे इनकरेज नहीं करते अपने हस्बैंड के लिए इतना एफर्ट करने के लिए, शायद आज मैं फरा महमूद जो यहाँ बैठी हूँ वो नहीं होती। ऐसे अभी भी काफ़ी सारे इश्यूज हैं। मैं आपको एक अचीवमेंट बताती हूँ कि एक पीडोफाइल का केस था, और हम 7-8 महीने से बिफोर द रमज़ान उस पर काम कर रहे थे, और 2 दिन पहले ही जाके उस बच्ची को इंसाफ मिला, सज़ा हुई, जुर्माना हुआ, कोर्ट ने किया। अब मैं जब उस औरत को देख रही हूँ जो बिल्कुल एक गरीब फैमिली से है, तरबियत तालीम कहीं कुछ नहीं है, और कोरंगी से है, मैं उसकी वालदा से ये कह रही हूँ कि तुम्हें किस चीज़ की शर्मिंदगी, तुम तो विक्टिम हो, तुम्हारी बेटी के साथ ये हुआ जुर्म हुआ है, और ऊपर से वो जो बच्ची का ताया है, वो एक सिस्टम अलग खड़ा है हमारे सामने जो हमें अभी थाने में फेस करना है, फिर MLO के पास जो जिना में हमें फेस करना है, वहाँ वो जो डॉक्टर है वो अकोमोडेट नहीं कर रहा, वो उसने देखा ये पढ़े लिखे नहीं, जाहिल है, कुछ भी बनाया रिपोर्ट, और MLO खुद वहाँ मौजूद ही नहीं है। जब आप बच्ची है 6 साल की, और जब आप उसका मेडिकल करने जा रहे हैं, तो वहाँ MLO को खुद खड़ा होना पड़ता है, फैमिली से भी एक आदमी वहाँ खड़ा होता है, लेकिन कोई नहीं था, वो कर कर आके उन्होंने दे दिए। कोर्ट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, दोबारा ऑर्डर किया, और वो सारी चीज़ें हुई। यहाँ पे मुझे आपकी बातों से लग रहा है अवेयरनेस, तालीम का तो देखिए सबको पता है, तरबियत, शऊर, अपने अगर यही बच्चों को बेटों को समझाए ना, तो आपके लिए और आसानी है। प्रैक्टिकल करें चीज़ों को, सोचें, समझें और डरें नहीं। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताएं फरा, आप बहुत सारी इस माशरे में बहुत सारी फरा हैं, बहुत सारी हैं, फरा महमूद होंगी, फरा सलीम होंगी, फरा पता नहीं कितनी फरा हैं, बहुत 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 सारी हैं, लेकिन एक फरा महमूद जो हमारे सामने आ जाए, जिसकी जर्नी, जिसका काम, जिसकी चीज़ें, लोग आते हैं इस होप से आते हैं, मतलब ये मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अगर किसी ऐसे के काम आ रहे हैं जिससे आपको कुछ नहीं चाहिए, तो ये रब की अता है, उसने आपको सिलेक्ट किया है। ये टास्क आज की सोसाइटी में जहाँ आपको पता है कि हमें पता नहीं किससे बात करनी पड़ जाएगी, और हम मतलब हक पे होकर भी अपनी बात को नहीं मनवा सकते। दर हकीकत जो कोर्ट का सिस्टम है, थानों का सिस्टम है, हमारे जो सोसाइटी है वो उससे खौफ खाती है, ख़ासकर बहसियत ख़वातीन, जिस किस्म के सवालात और चीज़ें हो रही होती हैं, जबकि IT ये हैरेसमेंट सेल मौजूद है पुलिस में, लेकिन जो लोग हैं ना उनको अपने फंडामेंटल राइट्स का खुद नहीं मालूम, इसलिए वो इस सिस्टम से घबराते हैं।
नहीं जाना चाहते, कंप्लेन नहीं करना चाहते, वो जो खौफ है, अगर आप अपने घर में या इवन एज अ इंसान आपको पता हो कि बाइसेप आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या राइट्स देता है, तो आप पुलिस से आराम से बात कर सकते हैं। आपको तालीम के साथ साथ तरबियत की जरूरत है। और पहले अगर हम पिछले जमानों की बात करें तो क्या पहले इतनी वो IT और ये AI ये सारी तालीम थी? नहीं, पहले जमाने में तरबियत थी। तो तरबियत पे कंसंट्रेशन करें, उसको फोकस करें और बच्चों को समझाएं। अगर वही बात है कि आज मुझे मेरे हस्बैंड सुनते हैं, इससे पहले मेरे वालिद सुनते थे, इनकरेज करते थे और मैंने सारी चीज़ें की, तो ये मेरी अकेली की एफर्ट नहीं है, ये वो सपोर्ट है जो मेरे साथ तमाम लोग खड़े रहे, वो भरोसा है मेरे हस्बैंड का जिन्होंने मुझे आज यहाँ फरह महमूद बनाया। और आपको पता है खवातीन का पॉलिटिक्स में आना इतना अच्छा नहीं समझा जाता, कैरेक्टर असैसिनेशन, डिफरेंट चीजें, ये सब कुछ होता है। मैंने यही तो कहा कि वो बहुत मुश्किल जर्नी होती है, बहुत ही मतलब ऐसे कह दिया जाता है पॉलिटिक्स, तो मतलब हमने टैटू टैगलाइन करनी होती है, क्योंकि पॉलिटिक्स भी अगर आपने इसको एज अ डिपार्ट नहीं चलाना, तो मैं तो कहती हूँ कि मत पढ़ाएं यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि बच्चा पढ़ेगा तो वो पढ़कर आ रहा होगा, उसे पता होगा अपने राइट्स, फिर उस सब्जेक्ट को क्लोज कर दें। अच्छा, यहाँ पे अर्जुमन सना हमारे साथ हैं, डेंटिस्ट हैं, ये मुझे बताएं अर्जुमन कि आप जैसे कि अभी फरा ने कहा कि अवेयरनेस नहीं है, ख्वाब देखना, ख्वाब की तामीर करना, तकमील करना, उसे वहाँ तक एग्जीक्यूट करना जहाँ तक आप चाहें, ये आसान काम नहीं है। अगर एक कोई हीरो है जिसको आप हीरो मानते हैं, तो वो कितनी चीज़ों से लड़ता हुआ आ रहा होगा तो जाके कहीं रजिस्टर हुआ। अच्छा, फिर वो रजिस्टर सिर्फ अपने इलाके में नहीं हुआ, अपने अपने शहर अपने मुल्क में नहीं हुआ, वो दुनिया में हुआ, उसके टास्क भी बड़े बड़े। तो जो अचीवर होता है, जो ख्वाब देखने वाला होता है, जिसने सब कुछ डिमराइज किया हुआ होता है, मैंने तो बस दुनिया में जाके ब्लास्ट करना है, वो क्या इतना इतना अपने अंदर एक जज्बा रख सकता है आज के दौर में? देखिए, जज्बा जो है वो पहली चीज़ है ख्वाब को अचीव करने के लिए, वो पहली ब्रिक है। और जो बाकी सारे लोग हैं उनका यही काम बनता है कि वो उसका क्राउन फिक्स करने में हेल्प करें। जज्बा जब तक नहीं होगा, देखिए अगर हम अपनी हिस्ट्री भी उठा के देखें तो बहुत सी जंगें जो है वो ऐसी लड़ी गई जिसमें मुसलमानों की तादाद इंतहाई कम थी, मगर वो एक ड्रीम था, वो अचीव किया, कम लोगों के साथ भी नबी पाक ने वो ड्रीम अचीव किया, वो जज्बा था। जब तक आपके अंदर एक मेरे दोस्त हैं, वो कहते हैं जब तक आपके अंदर चिंगारी नहीं है ना, तो वो शोला नहीं बनेगा। चिंगारी होनी बहुत ज़रूरी है, और भड़काना आसपास वालों का काम है। मतलब एक ख्वाब अगर किसी ने देखा है ना, तो बाज़ दफ़ा हमारी ज़िंदगी में लोग ऐसे आते हैं, ओह यू कैन नॉट डू दिस, ओह तुम्हारे 2-3 बच्चे हो गए, नहीं अब तुम घर बैठो, अब तुम जो है अपने बच्चे देखो, अल्लाह अल्लाह करो। अच्छा, ये बिल्कुल बिल्कुल, अर्जुमन मुझे एक बात बताएं कि अगर कोई चीज़, अगर मैं अगर कोई चीज़ चाहती हूँ तो उसके लिए एक फेस क्यों? ये सोसाइटी, आप ये देखें, एक छोटी सी बात है, अगर एक हमारा, हम जिस जगह पे हैं, जितने सोशल हैं हम जितना आगे जा रहे होते हैं, हमें ना एक कैटेगरी दे दी जाती है, ऐसी होगी तो ऐसी, ऐसी होगी तो ऐसी, ऐसी होगी तो ऐसी। आप जॉब्स देख लें कि फिर वही बात है, फरा से रिलेट करूँगी, अवेयरनेस नहीं है, मेरिट के बेस पर चीज़ें नहीं है, क्योंकि फिर हम चीज़ों पर सेक्रीफाइस करवाते हैं। एक औरत या एक बच्चा जिसका ख्वाब है एक अच्छा क्रिकेटर बनना, एक अच्छा हर्बलिस्ट बनना, एक डेंटिस्ट बनना, एक पॉलिटिशियन पर्सनालिटी बनना, एक नातखा बनना, एक कुछ भी कहीं सोशल एक्टिविटी को ज्वाइन करना, तो हम उसको एक ट्रेडमार्क दे देते हैं कि आप अगर ऐसे होंगे, अगर अगर अब वो कहाँ से लेकर आए, उसके ख्वाब में तो ये गुंजाइश ही नहीं थी। मगर एक चीज़ है, अगर आपके अंदर जज्बा है और मेहनत है, देखिए मैं अब जब दोबारा इस फील्ड में आई तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी कहा कि नहीं आपकी जो डेंटिस्ट्री थी वो अब आउटडेटेड हो गई है। जाहिर है हम जिस एरा में रह रहे हैं, नई नई कॉस्मेटिक सर्जरी आ गई है, रोज़ एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है। अब मैं अगर अपने आप को देखूँ तो मैं बहुत सी आउटडेटेड अपनी पर्सनैलिटी में भी हो गई हूँ। अब जो नई लड़कियाँ आ रही हैं वो ज़्यादा ग्रूम्ड हैं, उनके अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। मगर फिर वही एक बात कि अगर आपने सोच लिया है तो यकीन माने आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। मेरी घर में ये मिसाल इसलिए मौजूद है, मेरी अम्मी एक उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ी हुई थी, टाटका स्कूल जिसे आप कहें, बट नाउ एट दिस मोमेंट शी इज़ सर्विंग एट द बेस्ट स्कूल इन पाकिस्तान इवन। तो वो जज्बा जो था ना, वो मैंने उनके अंदर देखा था, और फिर वहीं से मेरी, असल में जो माँ बाप होते हैं ना, वही किरदार अदा करते हैं, आपको वही मोटिवेट करते हैं। आपकी ज़िंदगी के आधे मसाइल तो जब हल हो जाते हैं जब आपकी माँ जो है ना वो एक पॉजिटिव उसमें होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, जज्बा और मेहनत। मैंने बहुत दफ़ा ज़हीन लोगों को भी वो चीज़ अचीव करते हुए नहीं देखा जो मैंने मेहनत
के थ्रू लोगों को अचीव करने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा डॉक्टर अर्जुमन ने। अच्छा यहाँ पे हुमैरा नाज बुलिस्ट हम सब जानते हैं, डिफरेंट चैनल्स पे हमें देख रही होती हैं, हमें मिल रही होती हैं अपने टोटकों से, अपनी रेमेडीज से हमें बता रही होती हैं। हुमैरा, ख्वाबों में सोसाइटी का प्रेशर नहीं होता, ख्वाब तो सिर्फ ख्वाब होते हैं और वो बड़े मासूम होते हैं, बड़े सच्चे होते हैं। मैंने हमेशा, जैसे कि अभी डॉक्टर अर्जुमन ने कहा कि मैंने हमेशा अपने फादर को सुना है ये कहते हुए, देने वाली ज़ात बनो, लेने वाली नहीं। और जब देने वाली ज़ात होती है ना, वो सिर्फ ज़बान से, हाथ से, अमल से दे रही होती है, वो आपसे मांग नहीं रही होती है, ये आप करवाइए। सोसाइटी का ये प्रेशर जो है, जैसे मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि ये प्रेशर जो आपके ख्वाब को तोड़ रहा होता है, उसको नहीं जाने देता उस राह पे, वो तकमील के मराहिल तक पहुँचता ही नहीं, ताबीर तो दूर, तकमील के मराहिल पर भी नहीं आता, तो ये प्रेशर कैसे इंसान उस ख्वाब में, तो ये तो बड़े हर्टल्स हैं। कई कई लोग तो अपने आप को यहीं पे आधा रास्ता छोड़ देते हैं कि छोड़ो, बहुत मुश्किल है। एमी, ये बात है कि जब हम ख्वाब देखते हैं ना, तो उसमें उस ख्वाब को पूरा करने के लिए कोई ना कोई साथ ज़रूरी होता है। जैसे मैं इन दोनों की बात को आगे लेके बढ़ूंगी कि कोई आपके साथ होता है जो आपको मोटिवेट करता है। वो आपका चाहे भाई हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपकी माँ हो। तो मेरे साथ जो था, मेरी सबसे पहले तो मेरी वालदा का किरदार और मेरी नानी का किरदार, मैं इसमें ये कहूँगी कि मैं उनको देख के बड़ी मोटिवेट होती थी। ये जो जितना सोशल मैं कर रही हूँ इस वक्त, वो मेरी माँ और मेरी नानी से मेरे अंदर आया है। तो मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, सपोर्टिव हैं साथ में मेरे, जो मेरे, मैं बहुत उनको हमेशा इनक्रेज करती हूँ कि मेरे बिजनेस पार्टनर जो कि मेरे साथ थे, मेरे फैमिली मेम्बर भी थे, उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया, क्योंकि मैं आई एम सिंगल पेरेंट मदर, तो शुरू से उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया कि तुमने जो करना है वो करो। लेकिन साथ एक मर्द का था, चाहे हाँ। वो किसी जरूरत, वो बहुत अच्छा दोस्त है, वो बहुत अच्छा मेरे लिए मोटिवेशनल स्पीकर था, लेकिन उन्होंने कहा दुनिया जो कहती है कहती रहे, तुमने आगे बढ़ना है ना, ये करना है, ये सोच लिया है, मैं खड़ा हूँ पीछे, मेरी फैमिली खड़ी, उनकी पूरी फैमिली मेरे साथ खड़ी, वो अकेले नहीं, उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनके बहन भाई सारे साथ थे मेरे। और वो आज जो मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ, मुझे तो घर में बैठ के बोलना भी नहीं आता था। मैं वो शख्सियत थी कि मैं जब शादी, जाहिर है जब एक 16 इयर्स की एक लड़की घर में शादी होके चली जाती है, तो उसे तो घर संभालना क्या, वो तो अभी बचपने से थी और वो घर संभालने एकदम से आ गई, तो उसके तो ख्वाब वो समझती है कि ये ख्वाब बस अब टूट गए, खत्म हो गए, बस यहीं तक की कहानी थी। हाँ। अच्छा मारिया, आप साथ हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से कम बोल के और आपका, आप जल्दी से बताएं लोगों को कि ख्वाब की ताबीर जो होती है वो इंसान के अपने हाथ में कितनी है। माशरिक हो, जैसे हुमैरा ने बताया, डॉक्टर साहिबा ने बताया, परा ने बताया, आप कैसे समझती हैं कि एक इंसान के हाथ में कितना है इसकी ताबीर? मेरे ख्याल से इंसान के हाथ में ही होती है, और मेरा अपना अगर तजुर्बा देखा जाए तो मैं समझती हूँ, मैं जितने भी ख्वाब देखती हूँ, जो भी देख लेती हूँ, अल्लाह तबारक व ताला उसको पूरा कर देता है। बेशक, अब वही ज़ात है पूरा करने वाली। मतलब सिर्फ इरादा ही होता है कि आज ये ख्वाब है मेरा कि ऐसा हो जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा हो जाता है। तो मैं कहती हूँ कि आपको सिर्फ अपना जज्बा जो है वो बहाल रखना चाहिए, और अब अल्लाह का दामन जो है वो थामे रखना चाहिए, तो आपके हर ख्वाब को इंशाल्लाह ताला ताबीर मिलती है। बेहतरीन बात, बेहतरीन। बहुत शुक्रिया मारिया निसार आपका, आप आई, आपने अपनी आवाज़ का जादू धरती की सुबह पे जगाया। और ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ एक ऐसी हस्ती होगी जो सही में बताएगी कि इंसान और उसका ख्वाब और दुनिया, ये तीनों कनेक्शन कैसे पूरे होंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और कहीं नहीं जाइएगा, धरती की सुबह पे आपका इंतजार रहेगा। वेलकम बैक धरती की सुबह पे, और धरती है और सुबह है, तो यकीनन जैसे कि मैंने बिगनिंग में कहा, कोई उम्मीद है हमसे, किसी को कहीं ना कहीं से, चाहे वो हमारे रिश्ते हों, चाहे वो कायनात को पालने वाला हो, खालिक हो, चाहे वो मखलूक हो जिसकी ज़बान नहीं है, लेकिन हर किसी को उम्मीद है कि आज शायद ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आपकी तरफ से उनके लिए हो जाए। और आपने इस बेहतरी को कैसे सजाना है,
इस सलीके को अपनी ज़िंदगी में कैसे शामिल करना है, अपने उस ख्वाब को मुकम्मल कैसे करना है जिसकी ताबीर के लिए आप भाग दौड़ कर रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है यहाँ मुफ्ती साजिद राना साहब ने, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे साथ होते हैं और अपने इल्म की रोशनी में हम लाइल्मों को बताते हैं, सिखाते हैं, शऊर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकअल्लाह। और ये भी रब की एक अता है कि आप जैसे लोगों से मुलाकात होती है और हम छोटी छोटी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, आज हम और मैं, मेरे मेहमान, हम सब आज उस ख्वाब को छेड़े हुए हैं जिसकी ताबीर में हम लगे हुए हैं। एक इंसान हर चीज़ कर लेता है अपने ख्वाब को पाने के लिए और हर इंसान को लगता है कि मैं बेहतर हूँ, मैं ही सच्चा हूँ, मैं ही अच्छा हूँ और अगला जो है बिल्कुल। ये ख्वाब कैसे ख्वाब हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि दूसरा जो है हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है और हम आसानियां पैदा कर रहे हैं, हम अच्छे हैं, बस लगे चले जाएं, क्या ये वाकई हमारी मंजिल तक पहुंचा देंगे हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फऊजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना मअल उस्री युसरा, सदकल्लाहुल अज़ीम व सदक रसूलुहु नबियुल करीमुल अमीन। बहुत अच्छा टॉपिक आप लेकर आई आज, ख्वाब। हर एक शख्स जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर ख्वाब सजाता है अपनी आँखों में और फिर उसकी ताबीर के तगो दो में दिन रात एक कर देता है, लगा रहता है। इसे दूसरे लफ्ज़ों में यूं कह लीजिए कि उम्मीद, एक बंदा आस और उम्मीद लगाता है और इसी वजह से हम कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। हर बंदा उम्मीद से होता है कि बचपन है तो लड़कपन की उम्मीद होती है, लड़कपन के बाद जवानी की उम्मीद, जवानी के बाद फिर कुछ कर गुजरने की उम्मीद। ये सारी चीज़ें ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बंदे को अता की गई हैं और इसी आस और उम्मीद को लेकर बंदा इनकी ताबीर के पीछे चलता चला जाता है, चलता चला जाता है, यहाँ तक कि ज़िंदगी के दिन ख़त्म हो जाते हैं इंसान के। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी इरशाद फरमाया कि दुनिया ये फ़ानी है, ये यहीं रह जाएगी। अगर आप चाहते हो कि अपनी इन तमाम ख्वाबों की ताबीर हासिल करो तो दुनिया के अंदर ऐसे अच्छे काम करके जाओ कि इसके बाद जो हकीकी दुनिया, ये फ़ानी दुनिया है, इसके बाद हकीकी दुनिया जो मरने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें अता फरमाएगा, उस दुनिया के अंदर तुम्हें कामयाबी कामरानी मिल जाए। तो उसके लिए रब ने इरशाद फरमाया इस दुनिया के अंदर अच्छे अच्छे काम कर जाओ, मुश्किलात और मुशक्कात, जो मुश्किलें हैं उन्हें झेलना सीख जाओ। जिसने ये दुनिया मुश्किलात में गुजार दी, आसाइशों को छोड़ दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और खुशनुदी के अंदर गोया अपने अपनी ज़िंदगी को गुजार दिया, रब ज़ुल जलाल उस बंदे को इस दुनिया के ख़त्म होने के बाद अबदी ज़िंदगी जो है वो उसमें खुशियाँ ही खुशियाँ अता फरमाएगा। ज़बरदस्त, रब का फरमान है। बेहतरीन वो ज़ात जिसने हमें हमसे पहले जान लिया, बता दिया, कह दिया और बहुत ऐसी चीज़ें हमारे लिए लिख दी कि तुम ये करोगे, सब चीज़ खुली है। यानी दीन इस्लाम से ज़्यादा तो और कुछ भी, कोई मज़हब नहीं है जो ऐसा खुला हो जिसमें हर चीज़ बता दी गई हो, हर सवाल का जवाब हो। मुफ्ती साहब, यहाँ आपके सामने ये ख़वातीन बैठी हैं, यकीनन आप भी जब अपने घर से अपनी सुबह का आगाज़ कर रहे होते होंगे, एक टास्क, एक पीछे आपके पहले एक माँ थी, अब बीवी थी, फिर आप जाते होंगे घर पे तो बीवी बेटी सब आपको वेलकम कर रहे होते हैं। हमारे माशरे में ना ख्वाब भी दूसरे से जाते हैं, ख़ासकर मैं आज जो बात करूँगी, आपके एब्सेंस में ही बात हो रही थी, औरत ज़ात के लिए ये जितना पैनल सजा हुआ है आज, माशरती तौर पर औरतें ज़्यादा हैं माशरे में, इनके ख्वाबों को सजाने के लिए रब ताला का क्या हुक्म है? अगर हम अपनी काउंसलिंग करना चाहें, एज ए इस्लामिक स्कॉलर आप हमें बताएं कि एक औरत अपने ख्वाब की क्या लिमिट रखे जिससे वो वाकई उसकी ज़िंदगी और उसका घर सब कुछ सज सके। जी देखें, बिल्कुल ये कोई इतना मुश्किल जवाब नहीं है इस सवाल का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जैसा कि आपने बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ऐसा प्यारा दीन अता फरमाया है कि जिस दीन के अंदर दुनिया जहाँ की चीज़ें मौजूद हैं, मुफस्सिरीन किराम बयान फरमाते हैं ये दीन हमारा ऐसा प्यारा दीन है कि इस दीन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बैतुल्लाह में दाखिल होने से लेकर बैतुलखला में दाखिल होने तक के तमाम आदाब सिखा दिए हैं। बैतुल्लाह यानी अल्लाह के घर में कैसे दाखिल होना है, कौन सी दुआ पढ़नी है, कौन सा पाँव पहले अंदर दाखिल करना है और किस तरीके से वापस आना है, दीन मतीन के अंदर इरशाद फरमा दिया गया। इसी तरह बैतुलखला के अंदर आपने कैसे दाखिल होना है, कौन सा पाँव पहले अंदर लेकर जाना है और कौन सी दुआ पढ़नी है, ये दीन मतीन ने हमें बता दिया। अब रह गई बात ख्वातीन के हवाले से, हमारी माएँ बहनें जो इस कायनात के अंदर मौजूद हैं, जिन्होंने कायनात के अंदर रंग बखेरे हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
उनके जो ज़िंदगी है उनको गुजारने का सलीका और तरीक़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मुतहरात की सूरत में हमें अता फरमा दिया। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की साहबजादी लख्त जिगर फातिमतु ज़हरा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा की हयात तैयबा की सूरत में हमें बता दिया। और यही नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके जुमला हुकूक और जुमला अहकामात कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इस कदर तफसील के साथ बयान फरमाए कि पूरी की पूरी सूरह निसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में नाजिल फरमा दी, जिसमें औरतों के सूरह निसा, निसा अरबी जबान में औरत को कहते हैं जी, औरत, तो औरतों से मुतालिक पूरी सूरह निसा कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में मौजूद है। उसके अंदर तमाम अहकामात मौजूद हैं। रब्बे ज़ुल जलाल ने गोया कि औरतों को बता दिया कि अगर तुम अपनी दुनिया और आखिरत बेहतरीन गुजारना चाहती हो, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातिर उनके अहकामात पर अमल कर लो, दुनिया और आखिरत खुशगवार हो जाएगी। और फिर वही रब है, वो इरशाद फरमाता है कि अगर कोई औरत, वो अगर बीवी है तो उसके शोहर के मुतालिक वो रब इरशाद फरमाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लायक है कि मखलूक उसे सजदा करे। वो रब है, वो खालिक है, वो चाहता है कि मखलूक मुझे सजदा करे, यानी वो इबादत के लायक है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद किसी को सजदा करने का हुक्म इरशाद फरमाता तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। अगर सजदा करना जायज़ होता रब के सिवा किसी को, मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने खावंद को सजदा करे। तो इसका मतलब ये नहीं कि सजदा, इसका मतलब यह है कि इताअत और फर्माबरदारी। और फिर ये हुकूक यकतरफा नहीं है, सिर्फ ख़वातीन के लिए यह हुक्म नहीं है कि वही अपने शोहर की इताअत और ताबेदारी और फर्माबरदारी करें और वही उनकी खिदमत करें। और रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले जलीला से मर्दों को भी औरतों के हुकूक बयान फरमाए, उनके नान नफ़िक़े का, उनके ओढ़ने बिछोने का, उनके अखराजात का, उनकी जुमला ज़रूरियात का जो ज़िम्मा है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द के ज़िम्मे लगाया। और ये हसीन इम्तिजाज रब्बे ज़ुल जलाल ने गोया के कायम करके फिर क़ुरान में रब ने इरशाद फरमा दिया कि मर्द औरत को मुखातिब फरमा करके हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन, अपने आप को एक दूसरे से जुदा मत समझना, एक दूसरे के अंदर कमी बेशी मत करना। फरमाए तुम दोनों यानी मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के लिबास हो। और लिबास क्यों फरमाया, वो इसलिए कि जब बंदा लिबास पहनता है तो उसको अयूबात छुप जाते हैं, ऐब उसके ढांप दिए जाते हैं। तो शोहर और बीवी एक दूसरे के लिए लिबास इसलिए फरमाया कि तुम दोनों एक दूसरे के ऐब छुपाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़रिया और वसीला बना दिया, लिहाजा तुम एक दूसरे के लिबास हो। शोहर जो है वो बीवी की पर्दापोशी करेगा, बीवी जो है वो शोहर की पर्दापोशी करेगी और ये ज़िंदगी लेकर आगे चलेंगे। लेकिन अगर इसका उलट हो जाए मामला, कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ हो जाए तो आप देख लें ज़िंदगी के अंदर भौंचाल आ जाए। शोहर अगर बीवी के ख़िलाफ़ चला जाए और बीवी अगर शोहर के ख़िलाफ़ चली जाए तो ज़िंदगी के अंदर भौंचाल आ जाए और ज़िंदगी जो है वो एक तरह से अज़ाब और जहन्नम बन जाए। तो ये सब चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में बयान फरमा दी। और सबसे अहम चीज़ रब ने जो इरशाद फरमाया वो बर्दाश्त है, शोहर बीवी को बर्दाश्त करे, बीवी शोहर को बर्दाश्त करे, दोनों एक दूसरे के जहन को समझें, समझ कर उस पर अमल करें। जब समझ लेंगे तो पता चल जाएगा कौन किस वक्त गुस्से में है, मुझे किस वक्त उसको जवाब देना है, किस वक्त नहीं देना। बसा औकात बंदा हक पर होता है और उस वक्त उसे खामोश होना ज़रूरी होता है। अगर वो खामोश नहीं होगा तो मामला बढ़ जाएगा। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अगर मैं हक पर हूँ तो मैं बोलता चला जाऊँ, मुझे खामोश होना पड़ेगा। हाँ, मौके की तलाश को देखना होगा, जब मुनासिब मौका हो उस वक्त मैं अपने दिल की बात जो है वो अच्छे तरीके से करके मामले को जो है सुलह सफाई की तरफ ले जा सकता हूँ। और ये मुफ्ती साहब, यहाँ पे मैं आपकी बात में एक थोड़ी सी चीज़ एड ऑन करना चाहूँगी कि जो बर्दाश्त का अमल है ये सिर्फ मियाँ बीवी, अगर ये आदत है आपकी तो मेरे ख्याल से वो हर हस्ती हर शख्स के लिए आप कर रहे होंगे कि मुझे यहाँ इससे उलझना नहीं है, मुझे इस बात का जवाब हालांकि बहुत बेहतर तरीके से मैं दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, लेकिन मुझे देना नहीं है। जो मेरा मुद्दा है, मेरा पॉइंट है, जो मेरा मसला है, मैं उसको रखूँ और बात ख़त्म हो। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताइए, ख्वाबों की ताबीर के बारे में बात कर रहे हैं, क्या हर ख्वाब इतने ही ज़रूरी होते हैं कि उनकी ताबीर की जाए या उसकी मेहनत के लिए लगा जाए? कब इंसान को इस बात का एहसास हो या किस तरह हम जज करें, क्योंकि हम सब लाइल्म में बेशक अपनी अपनी जगहों पे बहुत हम एक इल्म भी रखते हैं, एक रुतबा भी रखते हैं, लेकिन
इंसान को ये कैसे पता चले कि जो ये ख्वाब देख रहा है इसकी ताबीर इसके हक में है या इसके लिए वो आगे भागे? जी, इसका भी हल जो है हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद से अगर पूछते हैं तो हमें यूँ मिलता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अलबत्ता तहकीक तुम्हारे लिए यानी तुम्हारी ज़िंदगी के लिए नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में बेहतरीन नमूना हयात है। नमूना हयात मतलब ज़िंदगी का नमूना, ज़िंदगी गुजारने का सलीका और तरीक़ा। अब जब बंदा ख्वाब देख रहा है, ये जीते जागते ख्वाबों की बात हम कर रहे हैं, एक होता है वो सोने का ख्वाब जो सोकर जो ख्वाब देखे जाते हैं उनकी भी ताबीर होती हैं, लेकिन ये जीते जागते जो हम ख्वाब देखते हैं उसके मुतालिक ये है कि अपने ख्वाबों को दीन के ताबे कर दो, शरीयत के ताबे कर दो, कोई परेशानी नहीं होगी। और बुजुर्गान दीन इस हवाले से ये इरशाद फरमाते हैं कि देखें, हर बंदा चाहता है कि वो तरक्की करे, और माल दौलत किसको पसंद नहीं है, हर बंदा चाहता है मेरे पास माल दौलत हो, गाड़ियाँ हों, बैंक बैलेंस हो और बंगले हों, लेकिन बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि इंसान को अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामिल व अकमल पैदा फरमाया है, उसके जिस्म में किसी किस्म का ऐब नहीं है, वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान है। अल्लाह, एक बुजुर्ग हैं वो रास्ते में जा रहे थे तो अल्लाह के नेक बंदे उनके पाँव में जूती नहीं थी, तो सुबह शाम अल्लाह की इबादत करते थे, अचानक ख्याल आया जहन के अंदर, या रब मैं तेरी इबादत करता हूँ सुबह शाम, तू कैसा रब है, मेरे पाँव में जूती भी नहीं है, मैं तेरी इबादत करता हूँ तू मुझे जूती भी नहीं देता, मतलब एक शिकवा सा पैदा हुआ दिल के अंदर। थोड़ा आगे गए तो एक बंदे को देखते हैं, अल्लाह का बंदा, वो ज़मीन के ऊपर चलता हुआ जा रहा है लेकिन दोनों टांगों से माजूर था, उसकी दोनों टांगें ही नहीं। जो ही उस बंदे के ऊपर उनकी नज़र पड़ी, फौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर तौबा अस्तगफार करने लगे, बारी ताला तौबा करता हूँ, या इलाही मैंने तेरी बारगाह में गुस्ताखी की शिकवा किया, बारी ताला मेरे पाँव में जूती नहीं तो क्या हुआ, मेरे पाँव तो सलामत हैं। बेशक इसी तरह मुफस्सिरीन किराम बयान फरमाते हैं, हम जब ख्वाब देखते हैं ना तो हमारे ख्वाब पैदा कैसे होते हैं, जब हम अपने से ऊंचे लोगों को देखते हैं, हम अपने से ज़्यादा अमीर लोगों को देखते हैं, अपने से ज़्यादा खुशहाल लोगों को देखते हैं। फरमाया है कि इस चीज़ का कला कमा अगर करना चाहते हो तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि कभी भी अपने से ऊपर लोगों को ना देखो, अपने से नीचे वाले लोगों की तरफ तवज्जो करो। अगर खुश रहना चाहते हो तो अपने से नीचे देखो, आपके दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र भी पैदा होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सुबह शाम शुक्र अदा करोगे, बारी ताला देख उसके पास ये नेमत नहीं है तूने मुझे दी है, तेरा शुक्र है, आजी इनके सारे। अब अपने से ऊपर वालों को देखेंगे, इलाही उसके पास वो है मेरे पास ये नहीं, ये नाशुक्री। रब इरशाद फरमाता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नेमत लेने का भी तरीका रब ने इरशाद फरमा दिया, रब फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम्हारे पास जितनी नेमतें हैं तुम उसका शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें मजीद नेमतें अता फरमाऊंगा। तो शुक्र कैसे होगा, अपने से नीचे बंदों को देखेंगे, उसके पास ये नेमत नहीं है मेरे पास, बारी ताला तेरा शुक्र, रब फरमाते हैं तो शुक्र अदा कर मैं तुझे मजीद अता फरमाऊंगा। अपने से ऊपर वाले को देखेंगे, बारी ताला उसके पास वो है मेरे पास ये नहीं, तो ये नाशुक्री है, और जो नाशुक्री करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पास जो नेमत होगी वो नेमत भी छीन लेगा। बेशक ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पैनल पे हमारे साथ आज हमारी मेहमान यहाँ पे हैं, फरा मैं आपसे ये, जिस तरह मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया, माशरे में ना एक चीज़ बड़ी है, जो इंसान अपने आप को बड़ा डाउन टू अर्थ लेके चलता है, क्योंकि आप पॉलिटिशियन हैं, आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह से देख रही हैं, सोसाइटी को देख रही हैं, हम अपने अपने एरा में देख रहे हैं, लेकिन आपके सामने तो एक पूरी सोसाइटी है, लोगों में ये बड़ा है, अगर आप अपने आप को बड़ा डाउन टू अर्थ रखते हैं, हम्बल रखते हैं, सिंपल रखते हैं, तो लोगों को कहते हैं इनको क्या पता, ये तो अभी हम तो इतने एक्सपीरियंस हैं, आपको गिराते हैं, आपको नहीं पता कि उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आ रहे हैं, तभी वो आज यहाँ बैठे, लेकिन आप वो जगह देख रहे हैं जहाँ से आपने उनको देखना शुरू किया, लोग आपको गिराने के लिए आपको वहाँ से शुरू करते हैं, जब आपने अपना असली चेहरा दिखा दिया तो लोगों को समझ आ जाता है कि अच्छा शायद ये कुछ भी कुछ हस्ती हैं ये, कैसे सोसाइटी में ये वाला जो एक अलमिया है ना कि हम किसी को कोई इज्जत फौकियत नहीं देते अपने ख्वाबों के लिए। वो कहते हैं ना वतुज़ मंतशा वतुज़िल्लु मंतशा, इज्जत और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में, वो जिसको जो देना चाहे, अगर वो अल्लाह उसको इज्जत देना चाहता है तो दुनिया का कोई बादशाह उसको ज़िल्लत नहीं दे सकता, और अगर कोई अल्लाह उसको गिराना चाहता है तो कोई भी बादशाह हो, कोई भी बहुत बड़ा इस दुनिया का हो, तो वो उसको वो इज्जत दिलवा ही नहीं सकता। ये हमारा ईमान है। जैसे मुफ्ती साहब ने बात की कि हमें अपने से नीचे लोगों को देखना चाहिए। अब मैं अगर गॉड गिफ्टेड हूँ, मेरे पास इतने स्ट्रांग पेरेंट्स मौजूद हैं, वालदा तो होती ही नरम दिल हैं और अपनी बेटियों को ढांप लेती हैं, तो
वो एक फैक्ट एक बात ये कि वालदैन में से वालदा तो हमेशा बेटियों को सपोर्ट करती हैं, लेकिन क्या वालिद उस तरह करते हैं? तो इसलिए मैंने उनको मेंशन किया। अब मैं अपने से नीचे ख्वातीन देख रही हूँ, मैं अपने से नीचे लोग अपनी ही जर्नी की अगर बात करूँ, चाहे वो समाजी एज अ सोशल एक्टिविस्ट, एज अ इमर्जिंग पॉलिटिशियन एज यू कॉल मी, तो अगर मैं उसको वो देखूँ तो मैं यही देख रही हूँ कि वो नीड क्या है, क्या ज़रूरत क्या है। मैं ये देख रही हूँ कि हमारे इस माशरे में कहाँ ज़रूरत है कि यहाँ पे ये चीज़ का फ़ुकदान है, यहाँ इस चीज़ का बहरान है, यहाँ पे बोलने वाले लोग नहीं हैं, लोग अपने हकूक के लिए आवाज़ उठाना नहीं जानते, वो मसीहा तलाश करते हैं, वो ये नहीं सोचते कि इसका निजात दहिंदा मैं ख़ुद भी हो सकता हूँ। आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगो, लेकिन नहीं, वो बिलीव नहीं है, खुद पे तो यकीन छोड़ दें, जो जिस पे तवक्कल करना है उस पे भी नहीं है। दिन में कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे वो अपने रब से रुजू नहीं करते, लेकिन हकीकत में आजमाइशें दो तरह की होती है, एक तो आजमाइश होती है या वो आपको तकलीफ होती है, आपको उस तरह पता चलता है जब आप अल्लाह से उस तकलीफ के दौरान करीब हो जाएं तो वो आजमाइश है, और अगर आप अल्लाह से दूर हो जाएं तो फिर वो आपके लिए अजाब है। तो मैंने वो जो कर्ब हासिल किया वो उस दौरान था, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ अपने से नीचे लोगों को देखूँ और सबको साथ लेके बढ़ूँ, और जो माशरे में जहाँ पे बहुत कम लोग अपने लिए आवाज़ उठा नहीं सकते, वो मैंने फिर कहा कि वो मेरी कब्र का मामला, मेरे अल्लाह का मामला, कभी मैं अल्लाह के सामने रूबरू हाजिर हूँ तो मैं बता तो सकूँ कि मैं अपने दामन में कुछ तो लाई हूँ, अल्लाह मैंने हुकूक इबाद अदा किया है, क्योंकि वो अल्लाह नहीं माफ़ करेगा, वो तो कहेगा कि जो बंदे हैं उन वही माफ़ करेंगे ना, तो कुछ तो होना चाहिए। डॉक्टर अर्जुमन सना हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि माशरे की बात हो रही है और माशरा, मैं ये कहती हूँ, बेशक आप इख्तलाफ राय रख सकती हैं, माशरा मैं समझती हूँ एज ए इंडिविजुअल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एक कम्युनिटी तभी स्ट्रांग होती है जब आप एज ए इंडिविजुअल स्ट्रांग होते हैं। आप एक की बात करते हैं, आप ये कहते हैं उसने ये किया, आपका इख्तियार रब ने सिर्फ आपको दिया है, आप वहाँ की बात नहीं कर सकते, आपका इख्तियार सिर्फ आपकी ज़ात पर। अभी मुफ्ती साहब ने कहा बर्दाश्त का जो एक अमल है ना, और हमें सबसे पहले हम अच्छा गिने हुए भी होते, हमने उस जगह पे तो बर्दाश्त कर लिया था, वहाँ मैंने इसको छोड़ दिया था, वहाँ जब आपके सामने बड़े ख्वाब होते हैं, बड़े गोल्स होते हैं ना, तो आपको छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे मामले, कोई आपको हर्टल्स दे रहा है, परेशानियाँ दे रहा है। मुझे, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आज की ये ज़रूरत थी, मैं यहाँ फंस रही थी और रब ने मेरी आज की ये ज़रूरत पूरी कर दी, दैट्स इनफ फॉर मी। अक्सर हमारे मुंह से निकलता है ना, अल्लाह कुछ और मांग लेते पूरा हो जाता, मेरी इस वक्त की ज़रूरत ये थी और रब ने इज्जत के साथ वो पूरी कर दी, तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई। तवक्कल भी तो एक चीज़ होती है ना, तवक्कल से ही आपकी ज़िंदगी आसान बनती है। और एक चीज़ ये होती है बर्दाश्त करना, जी मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, अल्लाह के बंदे गलत बात ही तो बर्दाश्त करनी है। बर्दाश्त का मतलब क्या है? आपको वही तो बर्दाश्त करनी है जो आपसे हो नहीं रहा। सही बात तो हर कोई बर्दाश्त कर लेता है, गलत बात आपने बर्दाश्त करनी है, सब्र करना है, और साथ ये कि तवक्कल रखना है। तवक्कल हर जगह आपके काम आता है। कि आज है ठीक है, आपको ख्वाब को हासिल करने की दौड़ तो देखें एक लगी हुई है, जिस माशरे में, जिस एरा में हम रह रहे हैं, दौड़ तो है, बेशक है, और उसके अंदर मैं खुद भी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, भींगा मदर, मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि टॉप पर दिखता वो है जो कि टॉप पर होता है, मगर उसके लिए किसी का हक नहीं मारना। उस टॉप पे आने के लिए अपनी बेस पे सच के साथ, लगाव के साथ आना है, किसी को नीचा करके नहीं आना। अपने ख्वाब को आप बिल्कुल चेस करें, ड्रीम को चेस करना कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल। आपको अपने गोल्स जो हैं वो ऊपर सेट करने चाहिए, और इतना कि आप उन तक जाने की कोशिश करें, मगर दूसरों को मार के नहीं, दूसरों का हक तलफी करके नहीं, और अल्लाह पे तवक्कल करके। ज़िंदगी में सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो ये, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप ज़िंदगी में बहुत कुछ इन्जॉय कर रहे हो, फिर कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप नहीं वो इन्जॉय कर सकते, तो उसका ये बात नहीं है कि आप अल्लाह से शिकवा शुरू कर दें। आप उसको रब, हो सकता है कि वो आपके लिए इसलिए ये राह बनाई गई हो कि शायद आपके लिए कुछ और गोल अल्लाह ने सेट कर दिया हो, कि इस मुश्किल से आपका रास्ता उस कामयाबी तक निकलता है। बिल्कुल, अच्छा ये ज़रूरी, बिल्कुल सही कहा। हुमैरा नाज़, मैं दो ख़वातीन, मुफ्ती साहब, और कोशिश कर रही हूँ सीखने की आप लोगों से। इंसान को जब ये गुमान हो जाता है ना, कि जैसे मैंने फरा से कहा कि जब इंसान को ये गुमान हो जाता है कि मैं, चाहे वो छोटा मैं हो, बड़ा मैं हो, कैसा भी मैं हो, दरमियाना मैं हो, मैं इतने साल से ये काम कर रहा हूँ, मैं इतने साल से इसमें हूँ, मैंने तो बड़े बड़ों को देखा है, मैंने ये है, ये सोसाइटी में है, आप
वहीं पे अल्लाह को जो अना जब आपने बात कह दी ना, अल्लाह को बड़ी नापसंद है। मैंने अक्सर देखा है और मैं अपने ऊपर भी, इसमें मैं अपनी ज़ात को भी कहती हूँ, मैं अपने ऊपर भी काम करती हूँ कि जहाँ आवाज़ ऊँची हुई मेरा रास्ता अलग हो जाता है, वहाँ जवाब बनता ही नहीं है। क्योंकि मेरे लिए, जैसे आप लोगों ने कहा, मेरे लिए मेरे फादर एक बड़ी ऐसी किताब हैं जो कि बस कह गए और उनकी बात आज कानों में है, वो करने जा रही होती है और कान में आवाज़ आ जाती है। जो आपको इज्जत ना दे सके तो समझो उसके पास कुछ नहीं है देने के लिए। जो आपसे आपसे नरम लहजे में बात नहीं कर सके, समझो कि रब ने उसे खाली रखा है, वो सिर्फ लेने के लिए आया है। ये बात आज मुझे समझ आती है जब मैं माशरे को देखती हूँ, लोग चीख के आपको दबा देते हैं, आपको हिला देते हैं। हुमैरा, कभी तो बर्दाश्त का दामन इंसान है, टूटता होगा, और ऐसा हो नहीं सकता। मैं तो कहती हूँ खुली जंग है, या तो आप रब से ही कह दो कि वो देता नहीं है, आप कह दो, क्योंकि जितनी आपकी मेहनत होती है वो अता तो कर रहा है, हर तरीके से कर रहा है, ये आप पे है कि आप कैसे ले रहे हो। मुझे बताएं कि हर ख्वाब पूरा नहीं हो सकता, हर ख्वाब झूठा भी नहीं हो सकता, और हर ख्वाब सच्चा भी नहीं हो सकता। इस सोसाइटी में जहाँ ढूंढ रहे हैं, हम सभी ढूंढ रहे हैं कि कोई तो मिल जाए हमारे, हमें पकड़ने वाला, कैसे अपने ख्वाबों को कहाँ तक लेकर जाएं, जो कि बहुत बहुत कुछ है, नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, बहुत कुछ है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम जो सोचते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ पूरी हो। पहली बात तो यह है कि अपने लिए नमाज में अपने लिए भी दुआ मांगें और औरों के लिए भी मांगें। ये तो एक कहा हुआ है कि सबके लिए बीमारी शिफा, मैं तो वैसे हर नमाज में हर एक के लिए, और जो हालात चल रहे हैं उनके लिए भी ये दुआएं ज़रूर मांगनी चाहिए। और अपने लिए जब हम दुआ मांगते हैं ना कि या अल्लाह हमारे पास, मतलब जो भी हमारी जो ख्वाहिशात हैं वो अल्लाह से ही मांगते हैं ना, और तो हम किसी पे तवक्कल नहीं कर सकते अल्लाह के अलावा, और अल्लाह बेशक देता है। और अगर हम ये तवक्कल कर लें कि जो दुआएं हमारी पूरी नहीं हो रही हैं वो यहाँ नहीं तो वहाँ पूरी होंगी, यहाँ नहीं जो हमें यहाँ नहीं मिला है वो वहाँ मिलेगा, अगर हमने ये तवक्कल कर लिया ना, तो आप यकीन करें बिल्कुल आप शांत हो जाएंगे। आप ये सोचेंगे कि जो मुझे मिल रहा है वो मुझे मेरी ज़ात से बढ़ के मुझे अल्लाह ताला दे रहा है। तो अल्लाह ताला से हमेशा, मैं कहती हूँ, चाहे आप किसी भी हाल में शुक्र अदा करें। ये ज़िंदगी जो अल्लाह ताला ने दी है ना, इसमें आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि जैसे भी हैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं आप लोग, आपके हमारे बच्चे हैं हमारे साथ, हम अपनी बच्चों को तालीम दी है, बहुत अच्छी ज़िंदगी हम इस वक्त भी गुजार रहे हैं। हालात जैसे भी, उससे लड़ना आना चाहिए। आपके लिए कोई आके खड़ा नहीं होगा, सिर्फ आपने खड़ा होना है हालात से लड़ने के लिए। तो ये आप ये सोचिए, और अपने लिए जो आप हम आप अपनी टीम तैयार करते हैं ना अपने साथ हालात से लड़ने के लिए, तो हमारे इर्द गिर्द के लोग होते हैं कि हमने अपने साथ उनको खड़ा रखना है, और हमने सिर्फ तवक्कल अल्लाह पे रखना है। मेरा तो ये मानना है कि मेरे साथ अगर कोई भी मुश्किल पेश आती है मैं अल्लाह पे छोड़ देती हूँ। मैं ये नहीं करती कि मैं बहुत टेंस हो जाऊँ। टेंशन, देखें ये आजकल ऐसी बीमारी हो गई है कि टेंशन हर बंदे ने ले लिया है, और बाज़ औक़ात बिला वजह का टेंशन भी हमने पाल लिया अपने ऊपर। एक छोटी सी चीज़ भी नहीं हो रही है तो हम इतने टेंस होते हैं कि या अल्लाह कैसे होगा। आप सिर्फ ये छोड़ दीजिए कि अच्छा होगा, वो भी अच्छा हमारे लिए है, बुरा अगर हुआ तो उसको बुरा ना कहें, क्योंकि अल्लाह ने वो लिखा है आपके लिए, वो आपके नसीब में ऐसा होना है, तो उसको आप बर्दाश्त कर लें। बर्दाश्त की यही बात है कि आपने बर्दाश्त करना है, और उससे फिर जो अगर बुरा हुआ है तो उससे सोचें कि कहीं आपकी क्या गलती हुई है उसमें, उसको किस तरह आपने सुधारना है। तो ये नहीं है कि हम दूसरे पर डाल देंगे कि नहीं उसने मेरे साथ ऐसा किया। बिल्कुल। अच्छा यार मुफ्ती साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, तमाम ख़वातीन को आपने सुना, हर आँख का अलग ख्वाब है, औलाद के लिए, अपने लिए, मामलात के लिए। आपने बताया कि ख्वाब अगर आप दीन और सुन्नत से जोड़ लें, रब की ज़ात आपको तमाम चीज़ें बता चुकी है, एक आम आदमी तलब कैसे पैदा करे अपने आप को इन तमाम चीज़ों को शऊर लाने की? क्योंकि फिर वही बात है कि हम सबको लगता है हम ही सही हैं। आप देखें सोशल मीडिया के तौर पे, मैं हैरान होती हूँ, वो पोस्ट देख रही होती हूँ जिसमें हर शख्स अपने लिए बात कर रहा होता है, और हर शख्स को पता होता है ये मैसेज मैंने कहाँ तक पहुँचाना है, किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। हम वो लोग हो गए हैं जिन्हें अपना आप सबसे अच्छा सबसे प्यारा लगता है, अपनी अपने ऐब नज़र नहीं आते। कैसे पहुँचेंगे वहाँ तक, उस मंजिल तक? देखिए आपने जो सवाल किया ना, इसके अंदर बुनियादी चीज़ जो है ना वो लफ्ज़ मैं आ रही है। मैं, जिसके अंदर मैं आ जाए या जिसके अंदर अना आ जाए ना, वो कभी कामयाब नहीं होता है। वो चाहे कितनी बड़ी तरक्की की मनाजिल तय करता चला जाए, लेकिन वो हमेशा ज़मीन पर ही आकर गिरता है। अगर हम तारीख के सफ़ात को उठा कर देखें तो सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने इब्लीस लाइन की है। बिल्कुल, बिल्कुल। इब्लीस को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आग से पैदा फरमाया, फरिश्तों को नूर से पैदा फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाया,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्लीस को उसकी इबादतों की वजह से फ़रिश्तों का सरदार मुकर्रर किया, मुअल्लमुल मलाइका बनाया। फिर एक वक्त आया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ए इब्लीस सजदा कर आदम अलैहिस्सलाम को। इब्लीस ने कहा, बारी ताला मैं नहीं करूँगा सजदा। क्यों? उसके दिल में मैं आ गया था। कहने लगा, इलाही तूने मुझे आग से पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से पैदा किया, मैं सजदा नहीं करूँगा। आग जो है वो आला होती है, मट्टी अदना है, आला चीज़ अदना के सामने कैसे झुक सकती है? उसके अंदर मैं आ गया। उसने जो अकली दलील दी ना, दलील तो फिर भी सही थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शायद फरमाया, इब्लीस तूने ये तो देख लिया कि तेरे सामने कौन है, मट्टी है, तो उसको सजदा करे, लेकिन तूने ये नहीं देखा कि तुझे हुक्म देने वाली ज़ात कौन सी है। अगर हम इसी चीज़ को नोट कर लें कि अपने अंदर जो अना और मैं है इसको ख़त्म करके हमें जो अहकामात दिए जा रहे हैं उसकी तरफ तवज्जो कर लें, तो दुनिया के अंदर कामयाबियां ही कामयाबियां हैं। और दूसरी मेरी बहनों ने बात इरशाद फरमाई कि अगर आपको तरक्की चाहिए, किसी को गिरा के तरक्की नहीं हासिल करो, बल्कि दूसरों की मदद करके करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत गैब से दरवाजे खोलेगा। बेशक इसकी मिसाल मैं यूं दूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी मखलूक से बेपनाह मोहब्बत करता है जी, और मखलूक के अंदर जो अल्लाह की मखलूक की मदद करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। इसकी मिसाल यूं ले लें, हमारे अगर बच्चे हों, बच्चों के अंदर एक बच्चा अगर हमारे दिगर बच्चों की मदद करेगा, उस एक बच्चे से हमें सबसे ज्यादा प्यार हो जाएगा कि ये बच्चा ऐसा ही मेरे दूसरे बच्चों से प्यार कर रहा है। बेहतरीन बात, उसके लिए हम जो है सबसे ज्यादा सोचेंगे। जबरदस्त, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और यूं तो लाइल्म तलाश है, अभी चल रहा है सफर के, सीख सकूँ इन तमाम लोगों से जो हाजिर होते हैं, आपको सिखाते हैं, मुझे सिखाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वाकई आप देने वाली ज़ात है ना, आपके ख्वाबों की ताबीर आपको चाहिए, तकमील चाहिए, तो सिर्फ दो लम्हे शीशे के आगे खड़े होकर देख लें कि क्या आपके चेहरे पे नज़र टिकती है, क्या वो मासूमियत, चाहे वो कोई भी उम्र हो, उसमें वो मासूमियत बाकी है। तो ये रिफ्लेक्शन है आपके अमल का। अपना बहुत ख्याल रखें, और ख़ासकर उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। बशर्ते ज़िंदगी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। चाय का जज्बा भी है, लस्सी का।